रेवाड़ी पुलिस ने शहर के गड़ी बोलनी रोड पर राजेश पायलट चौक के पास स्थित न्यू टाइप स्पा सेंटर में छापेमारी कर वहां चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर स्पा सेंटर पर भेजा। फर्जी ग्राहक का इशारा मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को स्पा सेंटर में 3 युवतियां और एक युवक आपत्तिजनक हालत में मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सप्ताह में पुलिस की देह व्यापार पर ये दूसरी कार्रवाई है। इसी सप्ताह एक अन्य स्पा सेंटर से भी 10 युवतियों और 4 युवकों को आपत्तिजनक हालत में मिलने पर गिरफ्तार किया गया था। घरौंडा के रेलवे रोड स्थित गोल्डन नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। नर्सिंग होम में अवैध तरीके से महिला का गर्भपात करने की तैयारी चल रही थी। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टर्स अस्पताल में नहीं मिले। अधिकारियों की माने तो महिला 2 माह की गर्भवती थी, जिसे गर्भपात की गोली भी दी गई थी। सिविल सर्जन करनाल डॉक्टर योगेश शर्मा को बड़े दिन से न्यूज़ मिल रही थी कि ऐसे किसी हॉस्पिटल में गर्भपात का कार्य हो रहा है जो कि ऑथराइज नहीं है, तो उन्होंने टीम बनाई। कल सुबह ही हमारी टीम बना दी गई थी और कल भी हम यहाँ पे थे सुबह 2-3 घंटे घरौंडा में। जैसे जैसे हमें पता लगा कि इस पेशेंट को वहाँ बुलाया गया है और इसको दवाई दे दी गई है, और हमें था कि शायद उसी वक्त ही ये कर देंगे MTP पर, इसको वापस घर भेज दिया गया और फिर इसको बोला कि रात को 8 बजे आने के लिए। 8 बजे भी हमारी टीम्स बिल्कुल तैयार थी कि जैसे ही अगर ये इसका MTP करती है तो तब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन 8 बजे भी इसको घर भेज दिया गया 8:30 बजे। और आज सुबह 9 बजे बुलाया था, आज 9 बजे से हमारी सारी टीम्स तैयार थी। ये 11 बजे आए, 11 बजे इनके डॉक्टर तो मुझे नहीं पता थी या नहीं थी, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने इसको फ्लूइड लगा दिया और एडमिट कर लिया कि आज हम सफाई कर देंगे। तो अभी डॉक्टर तो हमें नहीं मिली है और हम पहुँच गए कि आज तो इसकी सफाई के लिए। अब इसको ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। हाँ जी, तो अभी सफाई नहीं की थी, अभी की नहीं थी, लेकिन ब्लीडिंग इसकी शुरू हो गई थी और इसको ये OT में ले जाने वाले थे। और हम हरियाणा के पलवल जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम सफल होती दिखाई दे रही है। पलवल जिला प्रदेश में लिंगानुपात के मामले में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। यहां बीते साल 1000 लड़कों के पीछे 971 लड़कियों का जन्म हुआ है। पहले पलवल जिला लिंगानुपात के मामले में 6ठे नंबर पर था। पलवल के अंदर जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो इस बार का जनवरी का आया है वो 971 आया है, जो कि पहले काफी समय को अगर देखा जाए तो उसको उससे काफी बेहतर है, एक अच्छा उछाल आया है 971 में। और उसका कारण मुझे लगता है यही है कि लोगों में जागरूकता समय के साथ में आ रही है, और जो जागरूकता जब आती है तो उसका उसके जो परिणाम है उसके परिणाम बहुत अच्छे नजर आते हैं, और ये रिजल्ट इसीलिए नजर आ रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आई है। और साथ के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार माननीय DC साहब के निर्देश में बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, और वो उसका उसके वजह से ये है कि जो रेड्स की जाती है PNDT की रेड्स की जाती है, लगभग 12 रेड्स की गई है अभी पिछले कुछ समय में, और कल ही एक रेड की गई MTP को लेकर। हिसार जिले को अब नया जिला पुलिस अधीक्षक मिल चुका है। यहां IPS लोकेंद्र सिंह ने SP का पदभार संभाला है। उन्होंने पदभार संभालते ही हिसार में कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता साइबर क्राइम रोकने और जिले में अवैध नशा कारोबार रोकने की रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार के क्राइम को रोकने, उसकी पहचान करने और सख्त कार्रवाई करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। हिसार में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन है उस पर ध्यान दिया जाए, जो केसेस के डिस्पोजल है उस पर ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जाम की समस्या है, तो जो ट्रैफिक हमारा उसको कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे उभरते हुए क्राइम है साइबर क्राइम, उस पर भी फोकस रहेगा, और हम ये कोशिश करेंगे कि जो स्मार्ट पुलिसिंग जो हो सकती है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ, जैसे कि CCTV सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो गई, साथ ही साथ जो हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जो ट्रैफिक में यूज़ होते हैं, डिटेक्शन में यूज़ होते हैं, प्रिवेंशन में यूज़ होते हैं, उन सभी को अडॉप्ट करके एक एफिशिएंट और एक स्मार्ट पुलिस हम हिसार को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक्सीडेंट्स और जो नशा के अभियान जो है उसके लिए क्या किया जाएगा?
एक्सीडेंट के लिए जैसे कि हॉटस्पॉट एनालिसिस होती है, अभी आईआरएड ऐप आई है, उसमें डिटेल फॉर्म भरे जाएंगे, उससे एक एनालिसिस भी होगी, एक डेटाबेस क्रिएट होगा और रोड सेफ्टी एसोसिएट के साथ हम लोग उसमें टेकअप करते हैं। जो हमारी रोड सेफ्टी मीटिंग होती है उसमें हम टेकअप करके। झज्जर में दो दिन पहले हुए स्कूल वैन के दर्दनाक हादसे के बाद अब पुलिस विभाग हरकत में आया है। एक तरफ जहां हादसे की जांच चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ जिले भर में अभियान चलाकर बहादुरगढ़ में 50 से ज्यादा स्कूल बसों की चेकिंग की गई और नियमों की अवहेलना करने वाली 3 स्कूल बसों के चालान भी काटे गए। आज स्पेशली हम बस चेकिंग कर रहे हैं, वैसे भी तकरीबन रूटीन में चलती रहती है, लेकिन हम स्पेशल आज बस चेकिंग कर रहे हैं और हमने करीब 50 बस चेक की हैं, जिसमें 3 चलान हुए अभी तक और आपके सामने हैं, आप मौजूद हैं। इसमें हम चेक कर रहे हैं तमाम इक्विपमेंट्स, जैसे कैमरे हुए, फायर सिस्टम हुआ, फर्स्ट एड बॉक्स हुए और जो भी गाइडलाइन है सरकार की, वो तमाम हम चेक करके जो भी कमी पाई जा रही है हम चलान दे रहे हैं। ये कावे रूटीन में चलती रहती है, हमेशा हर महीने हमारे डेयरी के अंदर जाता है, हम तमाम हर महीने हम चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हादसे को देखते हुए चेकिंग चल रही, नहीं, ये हम रूटीन में करते रहते हैं। सत्य सटीक बेबाक।